नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर परिषद और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने एक बार फिर से लामबंद हो गए। वहीं कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 और 30 जून को वे सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। 6, 7 और 8 जुलाई को प्रदेश भर में हड़ताल करेंगे। अगर सरकार ने फिर भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निकाय मंत्री अनिल विज के साथ 25 अप्रैल को बातचीत हुई, जिसमें सभी मांगों पर सहमति बनी थी। इससे और इसके अंदर सरकार ने कुछ मांगों को लेकर के पत्र भी जारी कर दिया, जबकि अनेक मांगों पर सरकार द्वारा मौन धारण किया गया है। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। इसमें यूनियन इंजीनियर व DC रेट पर लगे हुए कर्मचारियों को हटाने का मन भी बना चुकी है, जो कि सरासर गलत है। समझौते पर सभी कर्मचारियों को कच्चे और पक्के को 50 लाख का बीमा कवर, जोखिम भत्ता और 4000 रुपये देने की सहमति बनी थी। कोरोना काल में कर्मचारियों का टेस्ट करवाने फायर विभाग द्वारा व पालिका तथा परिषदों पर और निगमों की छंटनी द्वारा किए गए कर्मचारियों की ड्यूटी वापस लेने व 12,500 सफाई कर्मचारियों और 1,000 सीबरमैन की भर्ती करने पात्र कर्मचारियों को रोल पर, इसके साथ साथ दर्जनों मांगे मानी गई थी, लेकिन इनके अभी तक सरकार ने कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि यदि समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नगर पालिका के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एक संगठन है, जिम्मेवार संगठन है, तो जिसकी लॉकडाउन के अंदर भी जो है 25 अप्रैल ने 20 साल से बातचीत हुई थी निकाय मंत्री से, और कुछ मांग मतलब बहुत सारी मांगों पर सहमति जताई थी, एक दो लेटर भेज करके बाकी की मांगों पर जो सहमति जताई थी वह मांग हमारी ना मंजूर कर दी, वो जो नहीं मानी गई, तो कर्मचारियों को गुस्सा है अपने इसीलिए जो ना आंदोलन में। जैसे कि जो ना मतलब आम कर्मचारियों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा करना था कोरोना महामारी को देखते हुए, और जोखिम भत्ता 4000 रुपये देने पर सहमति हुई थी। ये दोनों ही मांग जो ना मतलब सरकार ने गौण करते हुए, और बाकी के जो ना जो DC रेट पर लगे हमारे जूनियर इंजीनियर हैं पूरे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में हैं, उनको हटाने का काम, कई सफाई कर्मचारियों को हटाने का काम कर रही, तो कर्मचारियों में रोष है, इसलिए ये हमारा आंदोलन है। जो 23-24 को ये कर्मिक भूख हड़ताल थी, उसके बाद में 29-30 को सामूहिक अवकाश पूरे प्रदेश में लेकर क्या कर्मचारी करना बैठेगा। अगर नहीं फिर भी सरकार ने जो बात ना मानी तो 6, 7, 8 को जुलाई को पूरे प्रदेश में 3 दिन की हड़ताल है। अगर ये हड़ताल के बीच में भी नहीं मानी, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी। तो क्या अभी तक कोई अधिकारी वगैरह आया हुआ आपके पास मिलने के लिए? है जी, आज कोई अधिकारी वगैरह आया, कोई सरकार का कोई बंदा आया हुआ आज मिलने के लिए? ना, कोई बंदा नहीं मिलने के लिए आया। तो क्या ज्ञापन वगैरह दोगे इसको? हमने नोटिस दिया हुआ है बकायदा, मतलब सरकार को भेजा हुआ है, यहाँ कमेटी को दिया हुआ है, ये सब जो ना मतलब पूरे प्रदेश में आंदोलन है। ये तो कितने दिन ये रहेगा? ये 23-24 को तो ये मतलब कर्मी भूख हड़ताल की, 29 और 30 को सामूहिक अवकाश लेके बैठेंगे कर्मचारी, 6 और 7-8 जुलाई को 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे। अगर ना सरकार ने बात मानी तो वो स्ट्राइक को इंडेफिनेट कर दिया जाएगा। तो इस टाइम भूख हड़ताल बैठे या कैसे बैठे? इस टाइम भूख हड़ताल पे बैठे। क्या नाम है जी आपका, क्या पद है? मेरा नाम रमेश कुसामड़ है, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा।